सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी तुहाडा सारिआं दा साडे YouTube चैनल ते। लैके आपां हाजिर होए जी इस वेले दी वड्डी खबर। किसानां लई आ गई ताज़ा खुशखबरी जी। हुण इस चीज़ ते वी सरकार देवेगी 50% सबसिडी। किसानां लई बहुत ही वड्डी खुशखबरी है किसान भरावो। तुहाडे लई वीडियो नूं अंत तक ध्यान नाल जरूर सुनना। ते खबर शुरू करन तों पहलां साडी तुहानूं इक निक्की जिही बेनती है कि जिन्हां स्रोते वीरां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, कृपा करके चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो तां जो इसे तरह दीआं वड्डीआं खबरां तुहानूं मिल जाए करन। सो वड्डी खबर आ रही है जी, भारत दे विच खेती नूं वधेरे सुविधाजनक बनाउण लई कई तरह दीआं खेती योजनावां चलाईआं जा रहीआं ने। इन्हां दे विचों कुछ स्कीमां राहीं किसानां नूं वित्तीय सहायता भी दित्ती जांदी है, जदकि कुछ स्कीमां राहीं खेती दा विकास अते प्रसार कीता जा रहा है। इस कड़ी दे विच उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 सालां दे लई जी कीट रोग नियंत्रण नदी नियंत्रण योजना चलाई है। इस स्कीम तहत किसानां नूं वख-वख कीटनाशकां अते स्प्रे दी खरीद ते सबसिडी दे नाल नाल जी फसली सुरक्षा दे टिकाऊ तरीकों बारे जानकारी दित्ती जाएगी। इस नाल सूबे दे विच खेती लागतां नूं घटाउण विच मदद मिलेगी अते किसानां नूं घट लागत दे विच वधिया उत्पादन भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार वल्लों सूबे दे किसानां लई कीट रोग नदी नियंत्रण योजना चलाई जा रही है, जिस तहत जैविक कीटनाशकां रसायनिक कीटनाशकां अते स्प्रे ते 50 तों लैके 75% सबसिडी दी व्यवस्था भी है। इस नाल ही जी 26% नुकसान फसलां दीआं बीमारियां कारण अते 20% कीड़ियां कारण हो रहा है। रिपोर्ट विच इह वी दस्सिया गया है कि 7% फसलां नाल स्टोरेज सिस्टम ना होण कारण बर्बाद हो जांदियां ने। इस नाल ही चूहियां कारण 6% अते 8% नुकसान मिट्टी अते मौसम दी अनिश्चितता कारण हुंदा है। यही कारण है कि किसानां दी सख्त मेहनत तों बाद भी फसलां दा सही झाड़ नहीं मिल रहा।